आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के लेसन में हम सीखने वाले हैं राग दुर्गा, लेकिन इससे पहले हमें ये समझना होगा कि राग होता क्या है। एक्चुअल में जो हमारे पुराने विद्वान थे, जब हमारा क्लासिकल म्यूजिक शायद बन रहा होगा तब की बात होगी, कि अलग अलग सुरों को अलग अलग तरीकों से लगाकर देखा गया, यानी कि हमारे 12 सुर हैं ना, तो उनको अलग अलग तरीकों से लगाकर देखा गया, तो अलग अलग तरीकों से लगाकर अलग अलग रचनाएं बन गई और उन रचनाओं को हमने राग कह दिया। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं उदाहरण के तौर पर, जैसे सारेगामा पद निशा हम सबको पता है ना, तो इसमें से हमने कोई भी दो सुर हटा दिए, एक सुर हटा दिया तो कोई एक राग बन जाएगा, कोई और दो सुर हटा दिए, कोई और एक सुर हटा दिया तो कोई और राग बन जाएगा। ऐसे ही 12 सुरों को जब अलग अलग तरीकों से यूज किया गया तो अलग अलग राग बन गए। आज जो हम सीखने वाले हैं वो है राग दुर्गा। राग दुर्गा में दो सुरों का यूज नहीं होता है, प्रयोग नहीं होता है, वो है गंधार और निषाद, क और नी। अब उसको गाना कैसे है, आइए हम देखते हैं। पहले हम गाएंगे उसका आरोह, अवरोह और पकड़। आरोह अवरोह सबको पता है, पकड़ जो है किसी भी राग की पहचान होती है। जब छोटे से छोटे स्वर समूह के जरिए हम किसी राग के चरण को बता पाते हैं तो उसको हम पकड़ कहते हैं, यानी कि उस राग की पहचान। तो आइए देखते हैं कि हम राग दुर्गा को कैसे गाने वाले हैं। फीमेल स्केल से है, चौथा गाना है, चौथे गाने से गा रहे हैं, हम अपने अपने स्केल से इसको गा रहे हैं। राग दुर्गा का सरगम गीत। सरगम गीत यानी ऐसा गीत जिसमें सिर्फ सरगम का प्रयोग होता है, यूज होता है और किसी भी बोल का प्रयोग नहीं होता है। तो इसका सरगम गीत इस तरीके से है, आइए गाते हैं। सरगम गीत था, हम सबको इसको गाना है। जिनके सुर मिलते हैं, मैच होते हैं, उनको तानपुरे या सापा पर ही गाना है, लेकिन जिनको डाउट है कि उनके सुर अभी कम मैच होते हैं तो वो हारमोनियम का सहारा लेकर बजा कर भी गा सकते हैं बिगिनिंग में। तो राग दुर्गा को हम इस तरीके से गाएंगे। राग दुर्गा का पूरा परिचय हम अपने अगले ट्यूटोरियल में देने वाले हैं कि राग दुर्गा के बारे में, उसका थाट, उसकी जाति एक्सेट्रा, उसके बारे में भी हम जरूर बताएंगे कि राग परिचय होता क्या है। तो उसके लिए आपको
You have to be stay tuned for that. So thank you so much for watching, and keep learning and keep doing the yas. All the best.